अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर व्लॉगर। तो ये है 1st of January। तो यहाँ पर शाइन भाभी, वलिया और एमन और शाइन भाभी की मम्मी, बुलबेन सब यहीं रुके थे। बहुत मज़ा आया था। और ये हो रही है सुबह की नाश्ते की तैयारी। और यहाँ सब बैठे हैं, देखे बुलबेन है, शाइन भाभी की मम्मी, अम्मी, और ये शाइन भाभी नुमान को दे रहे हैं दूध। और मम्मी गए हैं नरगिस के इधर सोने के लिए। नरगिस और मम्मी चले गए थे, वो लोग आ रहे हैं। और ये बच्चे लोग हैं, साफ सफाई चल रही है। और नाश्ते के बाद का वीडियो मैंने शूट नहीं किया। फिर ये हम लोग रात में जा रहे थे शाइन भाभी के रिलेटिव्स के यहाँ शादी में। तो ये मैं रेडी हुई, देखिए मैचिंग झुमके पहने हैं मैंने। और बस नहीं जाना था मगर उन्होंने ज़िद की, चलो चलो करके साथ हो जाएगा, तो हम लोग भी चले गए। और ये देखिए एंट्रेंस, माशाल्लाह इस हॉल में मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और ये हॉल बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा था। तो ये था एंट्रेंस, और एक तरफ लेडीज़, ये साइड जेंट्स है और उसके दूसरी साइड लेडीज़ का था अरेंजमेंट। तो और ये बीच में स्टेज बना हुआ है दूल्हा दुल्हन का, जिसमें अभी फ़िलहाल दूल्हा था, दुल्हन अपनी स्टेज में थी। और सब अंदर चले गए, शाइन भाभी मेरे लिए वेट कर रहे थे, मैं शूट कर रही थी करके। तो ये स्टेज के बैक साइड से दूसरे साइड में हम लोग जा रहे हैं, और ये लेडीज़ का एरिया है। और आपको बता दूँ, इतनी भीड़, इतनी पब्लिक मैंने अभी तक नहीं देखी है। हाँ, मैं बहुत सारे शादियों में जाती हूँ, मैं रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, मगर ये तो बहुत ही बड़ा फंक्शन था। बहुत, ये देखिए एक एंटीक पीस स्कूटर का रखा हुआ है, ये एक ही चीज़ था वहाँ पे रखा हुआ। तो ये मैं अमीना को बोल रही हूँ उस पर बैठ, तो मैं तेरी फ़ोटो शूट करती हूँ, तो नहीं नहीं शर्म आ रही थी उसको। और ये अमीना ग्रीन ड्रेस पहनी है। और यहाँ देखिए शाइन भाभी स्टेज पे गए हैं, और शाइन भाभी की मम्मी और अम्मी नीचे ही खड़े हैं, क्योंकि वो शाइन भाभी की मम्मी को सीढ़ी चढ़ना उतरने में तकलीफ होती है। और ये वलिया और शाइन भाभी दुल्हन के साथ, दुल्हन का एक्चुअली फ़ोटो शूट चल रहा था, और माशाल्लाह बहुत प्यारी दुल्हन थी, बहुत खूबसूरत। और ये देखिए, ये एक साइड बच्चों का था प्ले एरिया, और ये सोफे लगे हुए थे गेस्ट के लिए। और बीच में ना वो एक सोफ़ा एरिया बना, सिटिंग एरिया बना हुआ था, सॉरी। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, दोनों साइड था। ये जो इतने बड़े हॉल में ना थोड़ी थोड़ी दूर पे सोफे लगे हुए थे सिटिंग एरिया के लिए बना हुआ था, कि जैसे देखिए वो बैक से आपको दिख रहा होगा ना, मैं वो ले रही हूँ मंडप और सोफा डाला हुआ, वैसा एक साइड में दो जगह थे। तो देखिए अभी तो हम आए हैं 9:30 बजे, हम लोग ही पहुँचे हैं। और इसके बाद जो पब्लिक बढ़ना स्टार्ट हुई है, कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो एंटर होके बोल रही थी कि देखिए इतनी पब्लिक। तो शाइन भाभी बोले पहले अपन खा लेते खाना, क्योंकि खाने का वक्त हो गया है, स्टार्टर्स वगैरह बाद में देख लेंगे। बच्चों का वो नूडल वगैरह था, तो ठीक है हम लोग फिर बैठे हैं। अब देखिए आप लोग हमारे प्लेट में, माशाल्लाह खाना भी बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी था। और देखिए आप बस प्लेट देखिए। तो ये था जहाँ से खाना आ रहा था हम लोगों के पास, मतलब निकाल निकाल के लोग दे रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ, खाना खाते खाते इतनी पब्लिक बढ़ गई थी कि, और शाइन भाभी इसलिए जल्दी बोल दिए थे खाने के लिए, क्योंकि फिर उनके पूरे रिश्तेदार और पहचान वाले सारे, उनको ना फिर मुलाकात करना था। ये देखिए मेरी प्लेट देखिए, इससे ही मेरा पेट भर गया था। ये देखिए दूल्हा स्टेज पे, और दूल्हे के सारे दोस्त भाई सारे फ़ोटो शूट हो रहे हैं उन लोगों का। और उसके बाद में ना दुल्हन को भी वहाँ पे स्टेज पे लेकर आए थे। और ये देखिए पब्लिक कितनी बढ़ रही है धीरे 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 धीरे। और काफ़ी दूर था, ये कामठी पे था ये लॉन, सारा लॉन नाम है, मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए फायरवर्क्स रखे, और ये मैसेज का टिशकिया, वो क्या बोलते हैं, पबजी का शॉट था, मेरा बेटा लगा दिया है, बस थोड़ी थोड़ी देर में वो होते रहता है। ये मुझे बहुत ही मज़ा आया ये देख के, इसलिए मैंने शूट किया कि इतना देखने में प्यारा लग रहा था, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा था।
ये मैंने देखा, ये देखिए दूल्हा दुल्हन का दोनों का फोटो शूट चल रहा था, और ये देखिए बच्चों का नूडल सेक्शन जो कि हमने बिल्कुल नहीं खाया, बच्चों ने लास्ट लास्ट में लिया था, और हम लोग खड़े थे यहाँ पे आलू टिक्की के लिए जिसको बहुत टाइम लग रहा था, और बहुत कुछ था, शुगर कैंडी थी, आलू टिक्की थी, और पानी पूरी थी, मॉकटेल्स थे, फ्रूट चाट थे, बहुत सारा सामान था खाने के लिए, मगर वहाँ टेबल पे आपने जो मेरी प्लेट देखी ना उससे ही मेरा पेट भर गया था। उसके बाद मैंने हाँ एक वो खाया था, आलू चाट, एक टिक्की खाई थी आलू की, उसके अलावा कुछ नहीं। बेचारे देखिए शाइन भाभी की मम्मी चेयर ला के दे रहे हैं, और खा पी के फिर हम लोग निकल गए बाहर। काफ़ी टाइम रहते, बुल बहन लोग भी आए थे, देखिए मैं बता रही हूँ सारा सेलिब्रेशन, कामठी रोड पे था ये, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और भाभी के, और जहाँ भाभी पहले, जहाँ से वो मतलब अभी उन लोगों का घर चेंज हो गया, पहले वो महल में रहते थे ना, तो वहाँ पे इतने लोग, उनके रिलेटिव्स भी हैं और पहचान। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट वापस से करना, करिए। ओह माय गॉड, बलिया बलिया शर्म के मारे मुंह छुपाने लग गए। चलो मम्मी, अच्छा मम्मी नहीं आए थे ना ब्लॉग में? नहीं आई, नहीं आई। अब अच्छे से, अच्छे से बलिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? और मेरी तबीयत तो अच्छी नहीं लग रही है, मुझे बहुत सर्दी, मतलब कल रात में जो शाइन भाभी के साथ शादी में गई थी ना, वहाँ बहुत लंबा रास्ता था और ऑटो पे गए थे ना, तो वो ठंडी घुस गई है, तो मेरे तो दोनों पैर ऐसे जवाब दे रहे हैं। अभी मतलब 29 या 30 दिसंबर से ठंडी थोड़ी अच्छी है नागपुर में, नहीं तो ऐसे गरम गरम लग रहा था, गर्मी ही लग रही थी, फैन चालू थे, पर फैन हल्के से अभी भी चालू करना पड़ता है, इतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं। मगर वो दूर का सफ़र था ना, सॉरी बाल निकाल रही, तो दूर का सफ़र था ना, तो वो है ना ठंडा लग गया, बस बहुत हवा थी रात में और काफ़ी देर भी हो गई थी तो ना ठंडी गुज गई। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखा आपने, हम लोग शादी में गए थे, वो इनविटेशन मुझे नहीं था, शाइन भाभी को था, शाइन भाभी लेके गए थे उनके रिलेटिव्स में मुझे शादी में, और आयशा के इधर से ससुराल से दावत थी, आयशा लोगों को, बुलबन को, उन लोग गए थे। और ये मेरा बैठा है पिया, यहाँ धूप आती है ना जब तक ये दोनों मेरे बच्चे बैठते हैं, है ना पिया? कभी माँ हम, कभी पियो। माम भैया का, माम भैया को दिखाऊं? ये माँ हम भैया बैठे, माँ हम, माँ हम। पियो बोला मम्मा मेरे को दिखाओ, मम्मा मम्मा मम्मी मेरे को दिखाओ, आप क्यों भाई से बात कर रहे हो? पियो है ना बड़ा पजेसिव है, सिर्फ उसी से बात करो, उसी को प्यार करो, है ना पियो? ये भी शो के उठा ना, इसके लिए इसकी आँख खराब है, अभी अमीना इसको फ्रेश करेगी। और हम भैया सो के उठ के यहाँ आके बैठे हैं, नहीं तो वो वहाँ झाड़ पर बैठते हैं। हाँ तो मैं ये बोल रही थी, हम लोग कल शादी में गए थे जो, तो माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी थी, दूल्हा भी अच्छा था, पर दुल्हन बहुत ही प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी, और जो लॉन था ना वो तो आपने देखा कितना बड़ा था, मतलब हमारे नागपुर में बहुत बड़े बड़े लॉन है, पर वो वहाँ मैं फर्स्ट टाइम गई थी, सारा लॉन अच्छा लॉन है, कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं था वो लॉन के बारे में। और उस लॉन से ज़्यादा जिन्होंने लॉन लिया था, जिनके घर की शादी थी ना, उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कभी कभी ना लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं और है ना छोटा लॉन ले लेते हैं और फिर वो कंजेस्टेड हो जाता है, तो उस चीज़ से कल बहुत बचे थे माशाल्लाह। आपने देखा था कितनी पब्लिक थी ना, बहुत पब्लिक थी, मगर है ना जो लॉन था उसकी उसकी मतलब मतलब काफ़ी बड़ा होने के वजह से उस चीज़ को इंजॉय कर पाए हम लोग, जो गए ना तो ऐसा नहीं लगा कि भागो भागो भागो,
आराम से हर काम हुआ, नहीं तो खाने खाने का दिल नहीं करता, नहीं तो वहाँ रुकने का दिल नहीं करता। काफ़ी हम लोग बैठे भी, शायन भाभी के पुराने मायके वाले सब पहचान वाले थे, उनसे उनको मुलाकात भी करने के लिए मैंने दी, वरना मैं तो बस खाती भी नहीं और भागो भागो करती हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अच्छा लगा। और आप लोगों को मेरा पिछला ब्लॉग कैसा लगा बताना, हम लोग सब गैदरिंग करे थे ऐसे ही बैठ के, तो बहुत मजा आई थी। हमने जो गेम खेले थे ना, बहुत मजा आई थी, और भी गेम रखे थे हमने, मगर है ना चीजें कलेक्ट, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से और पहले से डिसाइडेड नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीजें खरीद के नहीं ला पाए थे, नहीं तो और गेम खेलते। प्लान तो हमारा बहुत था कि नेक्स्ट गेट टुगेदर में हम लोग ये करेंगे वो करेंगे करके, मगर नहीं कर पाए थे। मगर इंशाल्लाह फिर रोशन भाभी आ जाएंगे ना, तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ में करेंगे हम लोग गैदरिंग ऐसे छत पर या फिर कहीं और जाके। अब एक एक ही जगह बार बार करने से ना बोर भी हो जाता है इंसान, तो फिर जैसे देखेंगे कहीं और दिन में भी जाएं और गर्मी शुरू होने के पहले, और वहाँ पर सब ये सब गेम खेलेंगे ओपन में, ऐसा सोचेंगे, डिसाइड करेंगे जब सब मिलेंगे ना जब। तो आज है मंडे और आयान आ गया है ट्यूशन से, आज स्कूल नहीं गया था, आज मेरी तबीयत खराब थी ना, मैं खुद ही नहीं उठी, मौली साहब को भी मना कर दी थी, सुबह नहीं उठी और वो आ गया ट्यूशन पढ़ के, ट्यूशन गया था, स्कूल नहीं गया था। तो और अभी फिर वो जाएगा एजाज सर की ट्यूशन 5 बजे की, तो आज अम्मी गए हैं पढ़ने आए थे करीमा में, उसके पापा की भी आज छुट्टी है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है तो वो सो गए थे और अभी उठे हैं। तो मैं सोच रही हूँ अमीना और मैं उनके साथ जाके आ जाते हैं, नहीं मोमिनपुरा नहीं जाते, सदर जाके आते हैं ना अमीना, चल खुई के घर है ना। तो हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं, अभी तो बज रहा है 4 और हम लोग ने नाश्ता देर से करे थे हमेशा की तरह, तो हम लोग खाना भी लेट ही खा रहे हैं। इसके पापा को हमने भी उठाए हैं तो वो उठे हैं, वरना उठ भी नहीं रहते, तो वो उठ जाते हैं ना, मतलब वो फ्रेश होने गए हैं, तो फ्रेश होके आते हैं, ग्लास पकड़े नहीं और आमीन ध्यान ही आए, तो है ना वो आ जाते, फिर हम लोग खाना खाते हैं, फिर फ्रेश होती हूँ, घूम के आते हैं थोड़ा सदर से, क्योंकि मुझे भी लग रही है नींद, अगर मैं सो गई तो फिर मैं 7 बजे तक सो ही जाऊँगी। थोड़ा आयशा भी है बुलबन के यहाँ, तो उससे भी मुलाकात करके आएंगे, माँ हमसे मिलने मिलता है ना, तो चलिए मिलते आपको थोड़ी देर से। अरे हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, आज भाई अजमेर गए थे ना, भाई रज्जू भाई अजमेर गए थे, दिल्ली गए थे, तो वो भी आज लौट के आएंगे, तो शायद से भाभी भी आज आने को होना, बिलासपुर गए ना वो गुड्डू भाई और अनीस भाई के घर के इनॉग्रेशन में, मैंने बताया था आपको ब्लॉग में, तो वो भी आने वाले हैं, शायद से वो आ जाते कि कल आते नहीं पता, मगर भाई आ जाने वाले हैं, तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था भाई को, 3:30 बजे की ट्रेन पहुँच जाएगी बोल रहे थे, धूप में खड़ी बहुत अच्छा लग रहा, तो देखिए फ़ोन करती हूँ भाई को, पहुँच गए कि नहीं पहुँचे करके, फिर शाम को भाई से मुलाकात होगी आप लोगों की। तो ये मैं आ गई किचन में, खाने के साथ पापड़ तलने का मन कर रहा था, तो ये मैं तेल डाल दी और पापड़ ढूंढ रही हूँ, पापड़ पहले नहीं निकाले मैंने, मम्मी हाँ। तो हम लोग आ गए थे बुलबुल बहन के घर और ये यासिन भाजी आए हैं, बातचीत चल रही है इन लोगों की, फिर इसके बाद हम लोग निकल गए मोमिनपुरा, कुछ सामान रिटर्न एक्सचेंज करना था उसके लिए, और उसके बाद फिर हम लोग गए हॉस्पिटल, और ये देखिए एक डॉगी मस्ती कर रहा था, तो अमीना उसका व्लॉग बना रही है। हाँ, तो हॉस्पिटल हम गए थे इनके लिए, इनको है ना बहुत सर्दी हो रही थी, एलर्जी, तो हम लोग वही डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर जवाद के पास इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बस वहाँ से हम लोग गए घर, और घर गए तो भाई आ गए थे वहाँ पर, फिर हम लोग ने रात का खाना पीना खाया, और बस ये ब्लॉग यही एंड किया, मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।